नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने चैनल देव एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ी गंभीर बीमारी फैली है पूरे विश्व में। उसका नाम है कोरोना वायरस। वो COVID-19 के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। तो आप अपने घर में नहीं हैं और इसी की सेफ्टी के लिए कि आप कोरोना वायरस से बचे रहें, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 डेज का लॉकडाउन किया। और इसमें अगर कोई बाहर निकलता है तो उसको पुलिस पकड़ती है, तो इसे कर्फ्यू भी कहते हैं। आपको याद होगा कि आपने जब मोदी जी ने टीवी पे कुछ स्पीच दिया था तो आप एक दिन के लिए घर में थे, जो कि बरामदे में आप 5 बजे जाकर उस दिन शंख थाली घंटी अपने उन डॉक्टर नर्स के लिए बजाया जो कि दिन रात मेहनत करके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए। अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं निकली, नहीं वैक्सीन निकली है। तो दोस्तों, तो इसी 21 दिन में आपको कुछ करना चाहिए, जैसे कि आप कोई गेम खेल सकते हैं, आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आजकल तो टीवी पे रामायण और महाभारत आ रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन तो बीत ही चुके हैं और अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी पे आज मैं सेल्फ एक्टिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मोनो एक्टिंग भी कहते हैं। तो आज मैं अपने भाई और मेरा रोल करने जा रहा हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घर का दृश्य है, दोनों भाई आपस में खेल रहे होते हैं। भैया, आपने गौर किया कि आजकल तो हम लोग घर में कैद होकर ही रह गए, जैसे पिंजरे में पंछी। यही नहीं, यहाँ तक कि हमसे कोई मिलने भी नहीं आता और नहीं हम किसी के घर जाते हैं। पापा मम्मी को तो हमारा ख्याल ही नहीं है, पापा कब जाते हैं और कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुमने सही कहा भाई, तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें उन कर्फ्यू के दिनों की याद दिलाता हूँ जब तुमने इतने सारा काम किया था, जैसे घंटी बजाई, थाली बजाई और शंख भी बजाया। हाँ भैया, मुझको याद आ गया वो दिन जब मैंने जोर जोर से शंख बजाया था। इसके कई सारे फायदे होते हैं, जैसे सांस वाली बीमारी की जो प्रॉब्लम है यानी अस्थमा, वो खत्म हो जाती है। बस बस बस, अब तुम रहने दो, तुम पापा की तरह डॉक्टर बन गए। तुमको पता है जो देश भर के डॉक्टर हैं, हमारे डॉक्टर और नर्स, वो हॉस्पिटल में दिन रात काम कर रहे हैं। अब मैं समझा भैया, मैं पिताजी से मिल क्यों नहीं पाता हूँ, मुझे पिताजी के बिना अच्छा नहीं लगता। तुम चिंता मत करो भाई, यह बीमारी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। बीमारी? कैसी बीमारी भैया, किसको हो गई? तुमको एक बात बताता हूँ, तुमने चीन का नाम सुना है? हाँ भैया, वहां ना जहाँ बौद्ध धर्म गए थे। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। तुमको पता है वहां के चीन के वुहान शहर के प्रयोगशाला से यह वायरस निकला और पूरे पहले वुहान में, फिर चीन में और पूरे विश्व में फैल गया है। और अब ये भारत में भी है, लोग तो इसको मजाक समझ के लेते हैं। भैया, ये तो मैंने भी सुना है, मोदी जी ने इसी पर कर्फ्यू लगाया था। टीवी में कोरोना कई बार बोला गया है और इसके कई सारे पेशेंट्स भी हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। इटली और चीन में तो बहुत गंभीर स्थिति है। तो भैया, इससे बचने के क्या उपाय हैं? मैं तुमको बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह इसके लिए
सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला, हाइजीन। हाइजीन यानी पर्सनल हाइजीन, इसमें अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करना है कि अपने गंदे हाथों से साफ करके हाथ, फिर कहीं हमको 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने रहते हैं साबुन से और अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे मैंने साबुन लिया, और इसको इस तरह सारी उंगलियों में करना है तुम्हें, ठीक है। अब हमारे सेकंड नंबर पे आता है प्रोटेक्शन। इसमें क्या आता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो तुमको मास्क पहनना है, जिससे जो संक्रमित व्यक्ति है उसका जो पार्टिकल्स है जिसमें कोरोना तुम्हारे बॉडी में आ सकता है, उससे बचने के लिए तुम मास्क पहनोगे। दूसरा है ग्लव्स पहनना, जिससे तुम किसी भी चीज को छूओगे। जैसे मैंने अभी ग्लव्स नहीं पहना और मैंने दीवार को छू लिया, अगर इस पे कोरोना चिपका हुआ है तो वह मेरे में आ जाएगा और मैं एक संक्रमित व्यक्ति हो जाऊंगा, यानी कोरोना संक्रमित। तीसरे पे आता है सैनिटाइजर। तुमको सैनिटाइजर का सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। मान लो तुमने ग्लव्स नहीं पहना और तुमको कोई चीज उठानी है और अगर उस पे कोरोना चिपका हो तो तुमको हो सकता है, उससे बचने के लिए तुम सैनिटाइजर लो और अपने हाथों पे लगा लो, जैसे तुम साबुन से करते हो। बस इसको धुलना नहीं है, सैनिटाइजर को हाथों पे लगा के वैसे ही रखो और फिर एक या दो 10 सेकंड तक वैसे ही छोड़ दो। फिर सूखने के बाद जो चीज़ उठानी है उठाओ और अपना काम करो। फिर थर्ड पे आता है फोर्थ पे आता है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल बिहेवियर। सोशल डिस्टेंसिंग में ये होगा कि आप पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं और कम से कम 1 पर्सन से 6 फीट की दूरी बनाए रखें, सॉरी 3 फीट, जो कि 1 मीटर भी कहलाता है। तो तुमको 1 मीटर दूर रहना है संक्रमित व्यक्ति से, या फिर पब्लिक वाली प्लेस पे ही मत जाओ, सही रहेगा। वैसे भी 21 दिन का लॉकडाउन है, ठीक है। अब आता है हमारा सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर में क्या करना है कि मान लो तुमको छींक खांसी आती है, ठीक है, छींक या खांसी आती है, तो अगर तुम्हारे पास हैंकी है तो उससे ऐसे ढक लो, कभी भी तुमको ऐसे नहीं छींकना है या फिर खांसना है। उससे जो तुम्हारे अंदर कोरोना आया है या फिर जो छींक में पार्टिकल्स में कोरोना है वो तुम्हारे हाथ पर आ जाएगा, और अगर वही तुम अपने चेहरे पर ऐसे आंख मुंह छू दोगे तो वही तुम्हारे बॉडी फैल जाएगा और तुम संक्रमित व्यक्ति बन जाओगे। तो उससे बचने के लिए सोशल बिहेवियर में क्या है कि जब भी छींक या खांसी है तो अपने को ऐसे कर लो, जिससे ऐसे कोहनी से बच जाओ। जैसे मुझे छींक आई, इसमें छींका मैंने, तो नहीं नीचे जाएगा और हमको ऐसे भी नहीं छींकना कि मुंह का पार्ट नीचे आए, तो जिससे इसका कोई मतलब भी नहीं रह गया अपनी कोहनी करने का। हाँ, तो वो जो पार्टिकल है वो नीचे चलेगा और दूसरों में फैलेगा, इसलिए यहाँ पे मुंह रख के कीजिए, ठीक है। तुमने तो इतना सब कुछ सीख लिया, तो अपने उम्र के बच्चों को भी बताओ। हाँ हाँ भैया, अभी बताया। मेरे देश के भाई बहनों और मेरे उम्र के जवानों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया भर में एक बीमारी है जिसका नाम COVID-19, जो कि कोरोना वायरस के नाम से भी जानी जाती है। इसकी सेफ्टी के लिए, इससे बचने के लिए मैं आपके सामने एक बात, इससे बचने के लिए एक बात कहने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनेगा। सुनो मेरे प्यारे देशवासियों, घर पे ही रहे आप लोग, घर पे ही रहे आप लोग, मास्क लगाए चेहरे पर, हाथ में पहने ग्लव्स और लगाए सैनिटाइजर। इस बीमारी के लक्षण 4, खांसी सर्दी और बुखार। धन्यवाद।